हेलो दोस्तों, वेलकम टू HSSC अड्डा। आज हम बात करेंगे दिल्ली से जुड़े क्वेश्चनों के बारे में। दिल्ली से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिल्ली पुलिस और DSSSB आदि के एग्जामों में पूछे जाते हैं, और इनके ऊपर हम एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन दिल्ली से जुड़े होंगे, एग्जाम में इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, जो दिल्ली की है। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1956 में। 1956 में दिल्ली को भारत का केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, और दिल्ली का एरिया है 1484 वर्ग किलोमीटर, और दिल्ली की पॉपुलेशन है 2012 की जनगणना के अनुसार 18.98 मिलियन। दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, और जो इसका ऑफिशियली बर्ड है उसका नाम है हाउस स्पैरो, और दिल्ली का ऑफिशियली जो एनिमल है वो है नील गाय। कई बार पूछा जाता है कि जो दिल्ली की राष्ट्र ऑफिशियल पशु कौन है, तो वो है नील गाय। ऑफिशियल फ्लावर है हल्फ एल्फ एल्फा। एल्फ एल्फा दिल्ली का ऑफिशियल फ्लावर है। ऑफिशियल ट्री है फ्लेम बोयंट। और दिल्ली का हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट। और दिल्ली की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वह है दिल्ली www.dillygov.in। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं दिल्ली से जुड़े क्वेश्चन के बारे में। सो हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका उत्तर है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, और उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। हु इज द गवर्नर ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के उप गवर्नर कौन है? दिल्ली के उप गवर्नर है अनिल बैजल, जो 1883 के बैच के IAS ऑफिसर हैं, और इससे पहले जो दिल्ली के उपराज्यपाल थे वो थे नसीब जंग। नसीब जंग दिल्ली के पहले इससे पहले उपराज्यपाल थे, और अब हैं अनिल बैजल। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव सीट, यानी दिल्ली की विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो दिल्ली की विधानसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 70, जिसमें से आम आदमी पार्टी ने जीती थी 67 सीटें, और बीजेपी ने 3 सीटें, जिसमें से हाल ही के दिनों में अभी अभी आपने न्यूज़पेपर करंट में आया है कि आम आदमी पार्टी के 20 विधायक अयोग्य घोषित कर दिए हैं, जिसके बाद अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 47 विधायक हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इस समय दिल्ली में कितने मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के विधायक? तो इसका सही उत्तर है 47, और कुल हैं 70। एरिया रैंक ऑफ दिल्ली इज, यानी जो दिल्ली का है वो क्षेत्रफल के अनुसार भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है 31वां। अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। फॉर्मेशन ऑफ NCT, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी। एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म आ जाती है NCT की, तो अगर दिल्ली से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आए तो NCT की फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1992 में। तो ये क्वेश्चन है NCT की स्थापना कब की गई थी? 1 फरवरी 1992 में, और दिल्ली की कैपिटल सभी को पता है न्यू दिल्ली। हु फाउंडेड दिल्ली, यानी दिल्ली को बनाने वाले कौन थे, दिल्ली की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है आनंद पाल तोमर। आनंद पाल तोमर मुख्यतः तोमर वंश से संबंध रखते थे, और जो दिल्ली में के अंदर लाल कोट का किला है उसकी स्थापना भी आनंद पाल तोमर ने की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिए, इस नाम को आनंद पाल तोमर, जिन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी। आठवां क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है, और इंद्रप्रस्थ का अर्थ है भगवान इंद्र का रहने का स्थान, जिसे पांडवों ने अपनी अलग राजधानी बनाया था इंद्रप्रस्थ। अब बात करते हैं नौवें क्वेश्चन की। व्हाट इज द नेम ऑफ हिल्स इन न्यू दिल्ली वेयर राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड, यानी उस जगह का नाम बताइए जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, जिसकी 1931 में स्थापना की गई थी, और राष्ट्रपति भवन में सबसे पहले रहने वाले वायसराय का नाम है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, ये वही लॉर्ड इरविन है जो गांधी और इरविन समझौता हुआ था 1931 में। तो लॉर्ड इरविन
राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले वायसराय थे। तो आपको पता चल गया होगा दिल्ली का राष्ट्रपति भवन स्थित है रायसीना हिल्स पर। हाउ मैनी रूम्स आर अवेलेबल इन राष्ट्रपति भवन, यानी राष्ट्रपति भवन जो भारत का राष्ट्रपति का मुख्य निवास है उसके अंदर कितने कमरे हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर है 350 रूम, 350 कमरे राष्ट्रपति भवन में हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली वीडियो दिल्ली के से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। हम इस सीरीज़ में और भी वीडियो लाएंगे, तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद दोस्तों।